नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। याद इसलिए रखा जाएगा कि इसी दिन भारतीय राजनीति में वो हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी रथ यात्रा कर रही थी, तो दूसरी तरफ भारतीय राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हम थोड़ा आपको इतिहास की तरफ ले चलें और आपको बताएं कि आखिर 6 दिसंबर 1992 की घटना क्यों हुई। 10वीं लोकसभा चुनाव के लिए 191 के अप्रैल मई महीने में चुनाव कराए जाने का ऐलान हुआ और चुनाव मैदान में थी कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल फ्रंट गठबंधन और दो कम्युनिस्ट पार्टियां। चुनाव में दो बड़ी घटनाएं हुई और तीसरी बड़ी घटना आगे हमारा इंतजार कर रही थी। सबसे पहले 10वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई और दूसरी इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता ने जाना कि चुनाव आयोग भी है और वही चुनाव करवाता है, जिसका नाम टीएन शेषन था, जिसने बताया कि चुनाव होता क्या है और इसे लड़ा कैसे जाता है। इसी चुनाव में हार के बाद बीजेपी के रणनीतिकारों को ये पता चल गया कि अगर भारत में बीजेपी को सत्ता पानी है तो उसे कुछ अलग करना होगा और वो अलग मुद्दा था हिंदुत्व की राजनीति, और इसी राजनीति के चलते बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। उस वक्त बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर बनाने के लिए जनमत जुटाने के लिए रथ यात्रा निकाली और उस वक्त एक नारा चल पड़ा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे मुद्दे ने रंग पकड़ा और 1992 में नारा एक बार फिर बदला। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के साथ मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। बीजेपी के रथ यात्री और वीएचपी नेताओं ने विवादित ढांचे के पास पहुंचकर पूजा अर्चना की और पूजा करने वालों में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल के साथ कई संत भी शामिल हुए और इन नेताओं के पीछे थे भारी संख्या में राम भक्त कार सेवक, और इन्हीं राम भक्त कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इसके लिए राम भक्त कार सेवकों ने अपने साथ घर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की मदद ली थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। बाबरी मस्जिद के गिरने की खबर आग की तरह फैल गई। इससे अयोध्या समेत पूरे देश में सामुदायिक माहौल बिगड़ गया और देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क गए, और तब से आज तक मंदिर मस्जिद का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। फिलहाल विवादित स्थल के जमीन बंटवारे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है।